हिस्सा है। चारों का बहुत बहुत स्वागत, और शुरुआत बीजेपी से कर लेते हैं। चलिए संजय जी, आप लोगों के लिए बहुत खास है ये चुनाव, क्योंकि पिछले चुनाव में जो देखने को मिला है, इस चुनाव में बिल्कुल अलग चीजें देखने को मिली। मुद्दों को लेकर आप आए, मुद्दों में भी पहली बार ऐसा हुआ कि बीजेपी घोषणा पत्र नहीं लाती है, विजन डॉक्यूमेंट लाती है, और साथ ही साथ ही एक आपके शब्दों में, मतलब बीजेपी के शब्दों में, आप लोगों ने एक मास्टर स्ट्रोक खेलने की कोशिश की। नॉन पॉलिटिकल फिगर को आप बतौर सीएम कैंडिडेट लेकर आए, और ये मान के चले कि जीत आपकी ही होगी। सबसे पहले तो किरण बेदी जी के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। किरण बेदी जी के आने से जो सबसे बड़ा जो महिला सशक्तिकरण का प्रतीक, पूरी दुनिया उनको इस तरीके से, पूरा देश इस तरह से देखता रहा हमेशा से। महिलाओं को दिल्ली में जो सबसे बड़ी समस्या है, महिला सुरक्षा, तो किरण बेदी जी को ला करके हम लोगों ने ये बताना चाहा कि आपके बीच में ऐसा व्यक्तित्व जो हमेशा महिलाओं के लिए लड़ता रहा, जिसने डिसिप्लिन को बनाया, जिसने भ्रष्टाचार को खत्म करने का प्रयास किया, जिसने बड़े बड़े ऐसे काम किए जिससे उसकी एक अलग आइडेंटिटी बनी। आप पार्टी ने भी उसको एक नोबल लेडी के रूप में, एक समाज सेवी लेडी के रूप में, एक अपनी ब्रांड एम्बेसडर के रूप में आप पार्टी ने उसका हमेशा उपयोग किया। ऐसी महिला यदि आप पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में आई, तो एक सबसे बड़ा मैसेज यह है कि किरण बेदी जी ने पूरे देश में, पूरे भारतवर्ष में सबसे श्रेष्ठ पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी का चयन किया। ठीक है, बाकी मुद्दों की बात की जाए, मुद्दों की बात में जैसे बहुत बड़ा मुद्दा आज ये है कि आप पार्टी ने कहा कि बिजली हम 50% कम कर देंगे। बहुत से ऐसे चीजें हैं जो उन्होंने कहा हम फ्री कर देंगे, हम इसमें इतना कम कर देंगे, इतना कम कर देंगे। देखिए क्या है, जो टैक्स है, जो ये टैक्स सिस्टम है, ये टैक्स से हमारा देश चलता है, टैक्स से हमको राजस्व की प्राप्ति होती है। टैक्सेशन में बहुत भारी बदलाव की आवश्यकता है, भारतीय जनता पार्टी इसके ऊपर बहुत तेजी से काम कर रही है। लेकिन आज जो टैक्स है, सबसे ज्यादा टैक्स मीडियम क्लास का आदमी देता है। मीडियम क्लास का आदमी जो टैक्स देता है, हाँ, उसका अब यूनिट तो नहीं फ्री में। आप टैक्सेशन की बात कर रहे हैं संजय जी, मुझे एक चीज बता दीजिए, आपकी तरफ से कहा जाता है कि भाई आप लोग सस्ती बिजली देंगे, सस्ता कर देंगे सब चीजों को, तो वो जो कमी होगी, जो पैसों की कमी होगी, तो कहीं ना कहीं से अगर वो आप अतिरिक्त टैक्स लगाएंगे तो उसका भार भी तो जनता पर आएगा। आप इधर से कहते हैं कि हम बचा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से दूसरे पॉकेट से निकालने की तैयारी भी तो होगी, कैसे करेंगे आप? इसीलिए विकास की बात की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी का मेन एजेंडा, भाई नरेंद्र मोदी जी का मेन एजेंडा विकास रहा है, आपस की सहृदयता रही है, सुशासन रहा है। तो जो भारतीय जनता पार्टी का एक एजेंडा है कि भाई हम सुशासन लाएंगे, हम महिला सुरक्षा करेंगे, उसमें हम चीजों को ये आदत दें कि हम आपको फ्री में ये चीज दे देंगे, जी आप अपने घर पे आराम करिए और हम जो है आपको सब चीजें फ्री में दे रहे हैं, वो गलत है। हम लोगों को जागरूक करें, उनकी एनर्जी का सही उपयोग होना चाहिए। यानी आप ये मानते हैं कि फ्री में तो कुछ नहीं हो सकता है, कहीं ना कहीं से जनता पर भार आप भी देने वाले हैं। बात शब्दों की जादूगरी जरूर है, लेकिन बात वही है साहब, कहां इधर से नहीं पकड़ रहे, इधर से पकड़ेंगे शब्दों में फंसा देंगे। इसीलिए बीजेपी तो आपको उमेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं आपके पास संजय जी दोबारा आएंगे, मैं जरूर आऊंगी आपके पास दोबारा आऊंगी। उमेश जी भी हमारे पास, उमेश जी हमने विजन डॉक्यूमेंट की बात सुन ली, संजय जी ने कहा विकास की बात आप भी कर रहे हैं, लेकिन आपसे भी मैं यही जानना चाहूंगी, आप 50% की बात करते हैं, 50% सस्ता कर देंगे चीजों को, बिजली पानी की बात करते हैं, आधारभूत सुविधाओं की आप भी बात करते हैं, लेकिन जो धरातल पर चीजें हैं, किसी चीज को कह देना और उसको धरातल पर उतारने के लिए चीजों को समझना जरूरी है, उसकी पृष्ठभूमि को समझना जरूरी है, क्या आप लोग भी उस चीज को समझ पाए हैं? देखिए जैसा कि आप पहले भी जानते हैं कि 49 दिनों की जो हमारी सरकार बनी थी, आम आदमी की सरकार, उसमें बिजली